यहाँ एमसी बनते हैं और एमसी बनके अपने घर बैठ जाते हैं। जगह जगह लोग पेशाब करते हैं, बदबू आती है। हमने ये आवाज उठाई थी भी डॉग्स के लिए, तो डॉग्स की तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। आश्वासन दे जाते हैं और खाली कुछ नहीं, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त अर्थ प्रकाश टीवी। पंचकुला के नगर निगम के चुनाव अभी जोरों शोरों पर है। यहाँ पर हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लोगों तक जा रही है। इस वक्त हम लोग पंचकुला के 12 ए रैली गांव में है और यहाँ की जनता हमारे साथ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के मार्केट के लोग हैं, यहाँ के आम नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं। पहले तो हम सर के पास चलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर चंद्र अत्री है। ईश्वर जी, आपकी जो इलाके में जो आम समस्याएं हैं, पहले तो उनके बारे में जानना चाहूँगा। हमारे गांव रैली में है, बहुत समस्याएं हैं। यहाँ एमसी बनते हैं और एमसी बनके अपने घर बैठ जाते हैं। यहाँ की जो गलियां हैं वो कच्ची पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है। पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता। बहुत सी औरतें मेरे पास आई थी, मैंने उनको आश्वासन दिया भाई इलेक्शन के बाद में एक्शन साहब से मिलेंगे, फिर ट्यूबवेल लगवाएंगे। और मैं तो ये ही प्रार्थना करता हूँ जो भी यहाँ से एमसी बनता है भाई, वो पानी का, सीवरेज का और नाली गली का वो पक्की करवाए और लोगों की जो समस्याएँ हैं उनको दूर करे। एक मार्केट के अंदर बाथरूम नहीं है, कोई भी शौचालय नहीं बना है। पीछे ये एमसी वाले आए थे और ये अम्बेडकर भवन के सामने उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर हम लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं बना क्योंकि लोग यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जगह जगह लोग पेशाब करते हैं, बदबू आती है, गंदगी फैलती है। तो मैं तो जो भी बनने वाला है एमसीओ का, अगर हमारा कांग्रेस का ये यहाँ से बनता है गुरमैल कौर, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई यहाँ पर गलियाँ, पानी का और यहाँ पर शौचालय बनवाए और लोग जो समस्याएँ वो दूर करें। मैं और आगे बढ़ते हुए सर के पास चलूँगा। सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम रमेश कुमार चौहान है जी। तो आपके हिसाब से आपके इलाके में कौन सी मुख्य जो समस्याएं हैं? वो मुख्य समस्याएं तो यही जो पंडित जी ने बताई हैं, ये सबसे ज़्यादा मुख्य समस्याएं तो यही हैं जी। और एक दो समस्याएं हैं जैसे कि अभी मार्केट के अंदर पार्किंग की ज़्यादा सुविधा नहीं है इतनी जी। नंबर दो, डॉग्स की बहुत ज़्यादा समस्या है, जानवर की बहुत खुले घूमते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। अभी पंचकुला में अभी बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया था जिसमें ये जो कुत्तों का मुद्दा है, डॉग बाइट्स के जो केस अभी बहुत कुछ दिन पहले बहुत निकले थे, उसमें उन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये लिखा हुआ है कि ये जो कुत्तों का मसला है उसको सॉल्व जरूर किया जाएगा। तो इस पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस पर एक्शन ले पाएगी? देखो, आने वाले टाइम में क्या करते हैं वो, लेकिन अभी तक तो समस्या है बरकरार। हमने पहले भी एक दो बार ये इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, बोला था पहले भी, एक दो मीटिंग्स पहले हुई थी, हमने ये आवाज़ उठाई थी भी डॉग्स के लिए। तो डॉग्स की तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं क्योंकि इनसे जान तक का खतरा हो जाता है इंसान को। स्कूटर जाते हैं उसके पीछे भागते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गाड़ी का तो कोई नहीं कर, स्कूटर के पीछे भागता है, स्कूटर वाला डरकर हिल जाता है, गिर जाए स्कूटर से इंसान तो चोट पेट लग जाए, मर भी सकता है इंसान, बहुत बड़ा खतरा है ये। तो आपके इलाके से आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार प्रत्याशी है जो जीतने के लायक है? देखो, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि कांग्रेस में और बीजेपी के इस्तेमाल कांटे की टक्कर है ये दोनों में। फिर भी आपके हिसाब से, आप यहाँ रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी आगे निकल सकता है? नहीं कह सकते इसके बारे में बिल्कुल। तो अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में मेयर पद के लिए, अगर आपके हिसाब से? मेयर पद के हिसाब से तो कुलभूषण जी का मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप लग रहा है मुझे। मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, आपका नाम? ठीक है, मेरा नाम मनोज कुमार चौहान है। मेरे बड़े भाई साहब थे जो बोल रहे थे, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये सबसे जो बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या है, और यहाँ पे सामने जो है ना, यहाँ पे रोज जुआरी शराबी यहाँ बैठे उनका रोज का काम है, शराबी पीना, लाई झगड़े करना वो। और ये कुत्तों की सबसे बड़ी समस्या है। अब ये मैं अपने मोहल्ले में, हम 9 सेक्टर में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में पहले 2 कुत्ते थे, 2 कुत्ते से 4 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, और अभी फिर एक कुतिया ने 10 बच्चे दे रखे हैं, एक कुतिया ने 8 बच्चे दे रखे हैं। अभी इससे पहले आपके यहाँ नगर निगम यहाँ पे जो पार्षद है वो कौन थे? वहाँ से भावना गुप्ता थे जी। तो आपने कभी कभी आप लोगों लीली बाबा तो कांग्रेस से थे लीली बाबा, तो उनके पास अब समस्याएं लेके गए कभी आप? देखो, ये समस्या तो लेकर गए हैं, इसमें कोई समस्या का हल तो निकलता नहीं। जिस तरह बार बार उनको बोला गया, हमने यहाँ से 30 साल रहते हुए लिए, कांग्रेस आती है, कांग्रेस एक बार आने के बाद जिस
आ गई इलेक्शन का टाइम आ गई, आश्वासन दे जाती है, उसके बाद बनने के बाद या कोई नहीं जागता, उसके बाद फिर इलेक्शन का टाइम होता है, उस टाइम फिर यही होते हैं। यहाँ से हमने 30 साल से देख लिया, यहाँ पर कोई सड़क की सुविधा नहीं है, जिस तरह पहले बीजेपी ने बाथरूम बनवा था उसकी हालत आज इतनी खस्ता है, वहाँ पर बैठने को दिल नहीं करता। फिर दूसरी बात, जो चीज़ एक बार बन जाती है उसकी कोई संभाल नहीं, मेंटेनेंस नहीं है, दीवार बनाई यहाँ पर, दीवार गिर गई उसके बाद वहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं आता है। जिस तरह पार्किंग की है, पार्किंग में गड्डी खड़ी हो जाती है, आगे कोई आता है और पौरन मारते रहता है, उसका कोई समाधान नहीं होता। तो जिस तरह ये इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो शराबी वगैरह हैं ये शाम को होते, फिर रात को दुकानदारों की भी समस्याएँ, कहीं पर ताला टूटने का डर रहता है, जिस तरह एक दो बार यहाँ पर चोरी हो ली उसका कोई वो नहीं होता। तो जिस तरह ये पुलिस वगैरह घूमती है फिर, लेकिन उस टाइम तो पुलिस भी नहीं वो करती नहीं, पुलिस मतलब भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन वगैरह में कोई देरी या नहीं लिया जाता? नहीं, पुलिस एक्शन लेती है फिर, लेकिन उसका समाधान तो निकलता नहीं। जिस तरह चोरी होगी, चोरी होने के बाद उसका कोई समाधान नहीं हुआ, इस तरह फिर लोगों में फिर वही है ना, फिर दहशत का माहौल बन जाता है। तो ये समस्याएं हैं, ये छोटे से छोटी समस्याएं, देखो कोई समाधान तो इनका होता नहीं। ठीक है, जिस टाइम इलेक्शन आता है उस टाइम आश्वासन दे जाते हैं, और खाली कुछ नहीं, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस वक्त जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनमें से कौन सा आपके लिए कुशल रहे? इस तरह है ना, हमने तो उम्मीदवार आई बार देखते हैं, जिस तरह पहले लीली बाबा को भी देखा है उम्मीदवार, चलो अच्छा है। अब हमारे गांव की है ये, देखो ये भी है, पहले गुरमेल कौर है, अब इनके साथ हैं भी, देखो अभी आगे क्या होता है। अभी सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, और जो अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हैं, स्पीकर है, और आपको क्या लगता है कि नगर परिषद की जो पूरी बॉडी है वो बीजेपी की तैयार होगी या कांग्रेस की तैयार होगी? देखो जी, इसमें तो ये है, यहाँ से तो टक्कर चली हुई है, हमने जो देखते हैं, हम भी जाते हैं इधर उधर जाते हैं वार्डों में, तो ऐसा कमज़ोर कोई कैंडिडेट नहीं है जो कमज़ोर हो तकरीबन। वैसे जब से ज्ञानचंद गुप्ता जी बने हैं शहर में बहुत काम हुए हैं, आपको याद होगा सड़कों के पहले बड़े बुरे हाल थे, जब से गुप्ता जी बने हैं सड़कें बहुत बढ़िया, आगे सफाई बहुत बढ़िया है, यानी उनकी तरफ से फुल हुआ है, लेकिन निचले लेवल से कुछ काम नहीं हो पाता, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। नगर निगम के सर चुनावों को कहा जाता है कि भाईचारे का चुनाव है, डोर टू डोर लोगों की जो समस्याएं हैं वो घर जाके गली की समस्याओं को दूर करने के जो चुनाव है वो लड़े जा रहे हैं एक तरह से, तो इसमें कहीं ना कहीं जो परिषद नगर परिषद के जो ये पार्षद होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, इनकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी में जो कमी देखी जाती है उसके बारे में कुछ? कनेक्टिविटी ऐसे ना, वो भी जानते हैं, अब ये तो अंदर ही है, मैं कौन किसको वोट देगा, आप आगे आज मैं आपको दूंगा, वो आगे मैं आपको वोट दूंगा, यानी मैं कह नहीं सकता कि मान लो गुरमेल को जीतेंगे या ये जीतेंगे, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि भाई क्या हुआ। ठीक है सर, एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, कोई दुश्मनी तो लेगा नहीं, गैर मित्र को वोट नहीं दूंगा, मैं तो भाजपा को दूंगा, ये तो मरला है, ये तो इलेक्शन आएगा चला जाएगा, हमने तो वहीं रहना, वही मेरे लिए शर्मा जी हैं, वही मैसा है, वही सब कुछ है, ये तो इलेक्शन खत्म, ये तो मोहल्ले का इलेक्शन है, तो मिल के ही रहना है, भाईचारा है तो प्यार वाली बात है, ठीक है कोई जीत गया ठीक है। ये नगर निगम के पंचकूला के जो इलेक्शन है कहा जा रहा है ये भाईचारे के इलेक्शन है, इसमें चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते एक ही बात है, पर देखने को मिल रहा है कि कई वार्डों में जो बीजेपी है वो अपना पलड़ा भारी करे हुए है, और जो गांव के इलाके हैं वहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो अपना जोर पकड़े हुए हैं। पंचकुला से कैमरा पर्सन अनुराग शुक्ला के साथ मैं राहुल तिवारी, आर्थ प्रकाश न्यूज। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।